प्रथम तहलका न्यूज। औद्योगिक नगरी पानीपत में लगातार हत्या और लूट की घटनाएं बढ़ रही है और पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने में नाकामयाब साबित हो रही है, लेकिन पुलिस हत्यारों को पकड़ भी रही है। दरअसल कुछ दिन पहले सोनाली रोड पर हुई दो युवकों की हत्या के मामले में पुलिस ने हत्यारे को काबू कर लिया है। वही मामले में डीएसपी सतीश वत्से ने बताया कि दो ब्लाइंड मर्डर जो कि किला थाना और चांदी बाग थाना क्षेत्र में हुआ था, जिनका कुछ पता नहीं लग पा रहा था और हथियारे पुलिस के काबू नहीं आ रहे थे, लेकिन पुलिस को अंदेशा था कि तीनों को ही गला दबाकर मारा गया है, जिसमें CIA 1 और CIA 3 ग्रुप ने पूरे मामले की जांच की और कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए संजय चौक से दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने कहा कि इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और कल कोर्ट में पेश कर पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा। में दो तीन ब्लाइंड मर्डर हमारे एक दो ब्लाइंड मर्डर किला थाना के इलाके में और एक ब्लाइंड मर्डर चांदनी बाग थाना के इलाके में हुआ था। उनका कुछ नहीं पता लग पा रहा था और तीनों की मोडस ऑपरेंडी एक ही थी। लग रहा था कि गला दबा के उनको मारा गया है, तो इसमें हमने CIA 1 और हमारी CIA 3 की टीम को एक्टिवेट किया था। तो इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके आज दो लड़कों को इसमें गिरफ्तार किया है और उनकी हिस्ट्री को देखा और उनसे पूछताछ की तो पाया गया कि ये लोग आपस में ये मजदूर लोग हैं और संजय चौक के आसपास कहीं रहते हैं, रात को वहाँ रुकते हैं, शराब पीते हैं और इनका आपस में जो मरने वाले हैं तीन लोग, एक अभी तक अनआइडेंटिफाइड बॉडी है जो उनके साथ इनका शराब पीने की बातों को लेकर झगड़ा होता है। पहले ये एक जो अननोन बॉडी है वो उसको हत्या करते हैं गला दबा के और उसको गली में फेंक देते हैं। उससे अगली रात इनका फिर झगड़ा होता है, फिर ये सनोली रोड पर जाते हैं ठेके के पास, चारों लोग दो मरने वाले और दो ये, वहाँ ये शराब पीते हैं और तू-तू मैं-मैं जब इनकी होती है तो एक को ले जाके ये जो ठेके के साथ गली है शिवनगर के शिव चौक के सामने जो ठेका है उसके पास गली में ले जाके उसकी परने से गला दबा के हत्या कर देते हैं। और उसके बाद वो जो दूसरा चला गया था मौके से वो इनको रास्ते में मिलता है, जब ये संजय चौक की तरफ आते हैं तो उसके साथ भी इनकी फिर तू तुम्हें होती, वो कहता भी तू कहाँ जा रहा है, तो वो कहता भी मैं क्यों बताऊँ, तो इसी बात पर क्योंकि नशे में थे इनका झगड़ा हो जाता है और उसका भी ये दोनों लोग गला दबा के हत्या उसकी कर देते हैं। ये आशीष है, लड़का कलावड़ गांव का रहने वाला है और एक महीना पहले ये अपने गांव से आया था, घर में लड़ाई झगड़ा होने के कारण यहां आके मजदूरी करने लग गया था। और दूसरा लड़का सोनू नाम का है, वो समालखा का रहने वाला है और वो भी यहीं अपना घर छोड़ के एक बाबा टाइप बना हुआ है और वो भी ऐसे ही चौकों के ऊपर सोता है। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस पूछताछ में आरोपियों से और क्या क्या खुलासे होते हैं और दोनों युवकों की हत्या का आखिर सही कारण क्या था। प्रथम तहलका के लिए पानीपत से प्रदीप रेडू की रिपोर्ट।